हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टिकीपीडिया। टिकीपीडिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, सामने है वीवो जेड वन एक्स का बॉक्स जो कि मुझे लेट मिला, तीन से चार दिन का डिलेट हुआ। ये क्यों हुआ मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मिस रूट हो गया था, यानी कि मेरे एड्रेस पे जाने की जगह किसी और एड्रेस पे चला गया था। तो खैर, जो हुआ सो हुआ। मैंने जो आपको प्रॉमिस किया था कि वीवो जेड वन एक्स का अनबॉक्सिंग आपको मिलेगा, तो इसमें आपको जेड वन एक्स का अनबॉक्सिंग देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि वीवो जेड वन एक्स अच्छा है या नहीं, आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इसका कैमरा परफॉर्मेंस सब कुछ इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे मेन जो रैपर है उसको हटा देते हैं, रैप आउट कर लेते हैं, मेन बॉक्स को निकालते हैं। बॉक्स के ऊपर भी रैपर लगा हुआ है, यहाँ से भी इसको भी रैप आउट कर लेते हैं। अब देखेंगे हमारा बॉक्स, तो बॉक्स का कलर भी ग्रेडियंट कलर आता है, यानी कि आपको डार्क ब्लू और लाइट ब्लू कॉम्बिनेशन आता है। ऊपर में जेड वन एक्स की जो ब्रांडिंग है वो सिल्वर कलर में लिखी गई है। जो लुक आता है बॉक्स का, लुक भी काफ़ी कमाल का है देखने में लग रहा है उसका। दोस्तों, यहाँ पे इधर देखेंगे तो क्लब ओपन पबजी, यानी कि पबजी के लिए डेडिकेटेड ये स्मार्टफोन बनाया गया, यानी कि पबजी के लिए एक अच्छा सा इंप्रोमाइज़ किया गया है, इंप्रूव किया गया है ये स्मार्टफोन। पबजी जब खेलेंगे तो काफी अच्छा आपको एक्सपीरियंस देखने को मिलने वाला है। पीछे साइड में देखेंगे तो इसके हाइलाइटेड कुछ फीचर्स लिखे गए हैं, जहां पे देखेंगे स्नैपड्रैगन 712 AI चिपसेट देखने को मिलेगा। 4500 mAh की बैटरी भी देखने को मिलेगी, जिसमें आपको 22.5 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। 32 मेगापिक्सल का फ्रंट यानी सेल्फी कैमरा है, प्लस 48 मेगापिक्सल का आपको AI ट्रिपल ईयर कैमरा देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे फ्लैश इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको कलर और वेरिएंट और यहाँ पे स्टोरेज वेरिएंट लिखा हुआ है। फ्यूजन ब्लू 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ में आता है, जो यानी कि जो स्मार्टफोन मेरे पास है वो 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ में आता है। एक और वेरिएंट आता है इसका 6GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ में, जो पर्पल एक और कलर पर्पल कलर में भी आता है। प्राइस इसकी 20,990 मेंशन की गई, लेकिन इसका प्राइस एक्चुअल प्राइस 18,990 है उसका। दोस्तों, यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर एड्रेस है वो ऐसे एट्रेस्ट्रा ये सब सारा कुछ लिखा हुआ है उसका। दोस्तों, यहाँ पे अब आते हैं अनबॉक्सिंग करते हैं, यानी कि हमारे बॉक्स को ओपन करते हैं, सील को कट करते हैं। जो बॉक्स आएंगे तो बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स मिलता है हमें। उस बॉक्स के अंदर देखें तो एक यहाँ पे बैक कवर देखने को मिलेगा। ये TPU केस है, आपको क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिल जाती है, ठीक ठाक सी क्वालिटी मिल जाती है और काफ़ी अच्छा देखने में लगता है, क्वालिटी अच्छा है उसका। दोस्तों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, वारंटी कार्ड वगैरह एट्सेट्रा इसमें मिल जाता है। उसके बाद इसमें एक और है बॉक्स, जिसमें आपको USB टाइप सी का चार्जिंग केबल देखने को मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो ये सबको साइड में रखते हैं। अब आते हैं हमारे मेन स्मार्टफोन की तरफ। तो स्मार्टफोन भी बहुत अच्छा सजाया गया है रैपर के साथ में, तो इसको भी रैप आउट कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे जो रियर साइड में देखने को लुक लग रहा है, सबसे पहला जो लुक आ रहा है, फर्स्ट इंप्रेशन आ रहा है, ऐसा लग रहा है ग्लास फिनिश दिखा गया, लेकिन दोस्तों यहाँ पे ग्लास फिनिश नहीं है, पॉलीकार्बोनेट का लुक देखने को मिलेगा, यानी कि पॉलीकार्बोनेट इसमें दिया गया है। लेकिन जो लुक आया, फिनिशिंग ऐसी की गई है जो देखने में लग रहा है कि ग्लास लुक देखने में लग रहा है, प्रीमियम लग रहा है, काफ़ी अच्छा है स्मार्टफोन देखने को लग रहा है उसका। दोस्तों, यहाँ पे आते हैं सामने की तरफ डिस्प्ले, तो इसको भी साइड में रखते हैं। अब देखते हैं जो रिमेनिंग कंटेंट क्या है। तो IMI स्टिकर्स मिल जाता है उसका। दोस्तों, यहाँ पे एक और कवर है, यानी कि कूड का बना हुआ, इसमें सिम इजेक्टर पिन देखने को मिल जाता है। और दोस्तों, उसके बाद आपको चार्जिंग एडेप्टर मिल जाता है, 22.5 वाट का फास्ट चार्जिंग का अडेप्टर, यानी कि ये फास्ट चार्जर अडेप्टर है, आपके स्मार्टफोन को फास्ट चार्ज कर देगा। उसका दोस्तों ईयरफोन मिल जाता है। दोस्तों, यहाँ के वीवो के स्मार्टफोन में देखता हूँ खासकर कि ईयरफोन देखने को मिल जाता है, बाकी सारे स्मार्टफोन में बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन जो सेल करते हैं इसमें ईयरफोन देखने को नहीं मिलता, हालांकि सबको देना चाहिए। तो ईयरफोन का भी क्वालिटी चेक करेंगे, तो ईयरफोन का क्वालिटी चेक करके आपको बताएंगे। उसके बाद दोस्तों, इस बॉक्स में और भी कुछ नहीं, तो इस बॉक्स को रखते हैं साइड में। उसके बाद देखते हैं, अब आते हैं हमारे फोन के तरफ। दोस्तों, उसके बाद कर लेते हैं फोन को बूट। फोन बूट हो रहा है, जब तक आपको फिजिकल ओवरव्यू दे देता हूँ। राइट साइड में देखेंगे आपको वॉल्यूम लॉकर की मिल जाता है, यानी प्लस माइनस करने के लिए मिल जाता है, प्लस पावर की देखने को मिल जाता है, प्लस उसके बाद आप नीचे साइड में देखेंगे तो स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाता है, टाइप सी चार्जिंग एडेप्टर देखने को, सॉरी सी होल देखने को मिल जाता है। उसके बाद माइक्रोफोन मिल जाता है। उसके बाद आपको 3.5 mm जैक का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों, लेफ्ट साइड में स्मार्ट की देखने को मिल जाता है। स्मार्ट की में बहुत सारा ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे गूगल असिस्टेंस, गूगल मैसेज, यानी बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाता है। आप सिंगल टैप करना, डबल टैप करना, या फिर आपको प्रेशन होल्ड करने में आपको ये तीनों चार ऑप्शन मिल जाता है, जिससे आप इससे बेनिफिट से फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे सिम ट्रे मिल जाता है। सिम ट्रे, चलो पहले इसको ट्रे को निकालते हैं, उसका देखते हैं क्या मिलता है। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप एक चीज़ माइनस पॉइंट मुझे लगता है कि माइक्रो एसडी कार्ड लाने का सपोर्ट नहीं मिलता है। यहाँ पे हाइब्रिड भी नहीं है, यानी कि माइक्रो एसडी कार्ड आप यूज़ ही नहीं कर सकते। एक आप जो डुअल यूज़ कर सकते हैं, प्लस आपको इंटरनल स्टोरेज जो मिलेगा उसी पे आपको सब करना पड़ेगा। तो मेरा सजेशन है, आपको 128GB वेरिएंट आप परचेस कीजिए अगर आपको परचेस करना है तो। उसका दोस्तों, यहाँ पे ऊपर साइड में देखेंगे सेकेंडरी माइक होल मिलता है और कुछ भी नहीं। उसका रियर साइड में, यानी कि बैक साइड में देखते हैं तो ट्रिपल कैमरा का सेटअप मिल जाता है। नीचे में आपको 48 MP AI कैमरा लिखा हुआ, ट्रिपल कैमरा लिखे हुआ, नीचे वीवो की ब्रांडिंग दी गई है। एंड दोस्तों, यहाँ पे आपको सामने की तरफ जो डिस्प्ले नजर आता है, ड्रॉप नॉच डिस्प्ले आ जाता है।
तो दोस्तों हमारा फ़ोन हो गया बूट। अब चलते सबसे पहले डिस्प्ले में देखते हैं, यहाँ पे होम स्क्रीन कुछ इस तरह का नज़र आएगा। होम स्क्रीन में ऐसे बहुत सारे ऐप है जिसको आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं, आप चाहे तो आराम से अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अब चलते सीधा सेटिंग में, अबाउट फोन में चलेंगे। तो सबसे पहले सेटिंग में चलते हैं, सेटिंग में मोर सेटिंग में, मोर सेटिंग के बाद यहाँ पे अबाउट फोन में चलते हैं। अबाउट फोन में जाएंगे तो आपको देखें एंड्रॉइड वर्जन चेक करते हो तो आप 9.0 यानी सॉरी 9.5 में आता है, यानी कि स्मार्टफोन 9.5 अपडेटेड है विथ आपको फन टच ओएस 9.1 के साथ में आता है। उसका दोस्तों आता है रैम स्टोरेज को देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको जो स्टोरेज वेरिएंट यानी कि 128 GB का वेरिएंट है जिसमें आप फर्स्ट बूट करेंगे तो 115 GB के आसपास अवेलेबल आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों रैम जो 6 GB का है उसमें आपको 4.5 GB तक का अवेलेबल रैम देखने को मिल जाएगा। अगर बाकी अदर फीचर्स की बात करूँ तो यहाँ पे वाइड लाइन एलेवन का सपोर्ट देखने को मिलेगा, यानी कि नेटफ्लिक्स या अमेजन में आप HD कंटेंट जो स्ट्रीम कर सकते हैं, जो काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद कैमरा टू API का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यानी कि आप GCam वगैरह जो आउटसाइड कैमरा का ऐप होता है उसको आप आराम से यूज़ कर सकते हैं और पिक्चर को और भी ज़्यादा इंप्रूव कर लेते हैं। उसका दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे ऑडियो एंड वीडियो की, तो ऑडियो क्वालिटी आप पहले सुन लेते हैं। तो ऑडियो क्वालिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, अबव एवरेज लग रहा है, यानी कि जो क्वालिटी है वो फुल साउंड करने पे भी नहीं फटता, यानी कि फुल साउंड करने पे भी क्वालिटी अच्छा आता है, आपको एक एक बीट क्लियर समझ में आता है। अगर बात करें वीडियो की तो वीडियो क्वालिटी डेफिनेटली आप मायूस नहीं होंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सुपर AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है। सुपर AMOLED डिस्प्ले है तो वीडियो क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, कलर पंची आता है डिस्प्ले में, यानी कि डिस्प्ले में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो ऑडियो वीडियो क्वालिटी की बात करूँ तो मेरे तरफ से ये अबव एवरेज है, यानी कि एवरेज से भी अच्छा है। उसका दोस्तों यहाँ पे फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक को भी टेस्ट कर लेते हैं। फेस अनलॉक दोस्तों काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, एकदम क्लिक करने के साथ ही ओपन हो जाता है, आपको ब्लिंक भी नहीं करते, यानी कोई दूसरा पेज भी लॉक पेज भी नहीं आता, डायरेक्ट आपको होम पेज आ जाता है, जो ये काफ़ी अच्छी बात है। फिंगरप्रिंट जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है वो भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। दोस्तों उसके बाद आते हैं हमारे स्मार्टफोन के डिस्प्ले की तरफ, तो 6.38 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलता है, यानी लगभग 6.4 इंच का आपको यहाँ पर डिस्प्ले देखने को मिलेगा। सुपर AMOLED डिस्प्ले है तो डिस्प्ले में आपको कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करने को मिलेगा, वीडियो काफ़ी अच्छा, गेम काफ़ी अच्छा, यानी कि सब कुछ जो आप व्यू करेंगे देखेंगे काफ़ी अच्छा फील होने वाला है। फुल व्यू डिस्प्ले है, आपको डॉट नॉच देखने को मिलता है, 19.5:1 यानी कि एस्पेक्ट रेशियो है, 90% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिल जाता है। और दोस्तों डिस्प्ले में ही इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सपोर्ट देखने को मिलेगा, तो डिस्प्ले मुझे लगता है डिस्प्ले भी अबव एवरेज है, यानी कि डिस्प्ले क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है। अगर बात करें यहाँ पे परफॉर्मेंस की तो यहाँ पे स्नैपड्रैगन 712 AI चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो कि 2.3 GHz पे क्लॉक्ड है। जो मेरे पास वेरिएंट है वो 6 GB रैम प्लस 128 GB का स्टोरेज के साथ में आता है, जो दो कार्ड स्लॉट है, यानी कि आप हाइब्रिड स्लॉट या फिर माइक्रो एसडी कार्ड लाने का कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, आप स्टोरेज को एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं। आपको यहाँ पे मैंने पबजी वगैरह खेला है तो पबजी में एक डेडिकेटेड यहाँ पे दिया गया है गेम स्पेस, जिसे पबजी वगैरह खेलेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप आराम से नोटिफिकेशन को मैनेज कर सकते हैं, कॉल को मैनेज कर सकते हैं, मैसेज को मैनेज कर सकते हैं, कॉल रिजेक्ट करना है, क्या करना नहीं करना वो अपने हिसाब से आराम से एडजस्ट कर लेते हैं। तो पबजी खेलेंगे तो आराम से काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सिर्फ पबजी नहीं, कोई भी गेम खेलेंगे गेम स्पेस में वो जाकर ऐड कर देंगे तो वहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। अल्ट्रा गेम मोड है तो डेफिनेटली आप जब भी पबजी खेलेंगे तो स्मूथ चलेगा। मैं इसका गेमिंग रिव्यू भी करने वाला हूँ तो इसके लिए आप प्लीज़ चैनल पर स्टे ट्यून करके रखिएगा। आने वाला टाइम में इसका गेमिंग रिव्यू, कैमरा रिव्यू, डेडिकेटेड आपको सब कुछ मिलने वाला है। साथ में अगर बैटरी की बात करूँ तो यहाँ पे 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, प्लस आपको 22.5W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, USB टाइप सी के चार्जिंग केबल देखने को मिलती है, यानी कि फ़ोन काफ़ी ज़्यादा आपका फास्ट चार्ज हो जाएगा, यानी कि ठीक ठाक चार्ज हो जाएगा, चार्जिंग टाइम आपका ज़्यादा नहीं लेगा। 45 mAh बैटरी होने के बाद भी लगभग एक से 1 घंटे से 1 से 10 मिनट में आपको चार्ज हो जाएगा। तो दोस्तों परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है, यानी कि परफॉर्मेंस आप वीवो Z1X के परफॉर्मेंस से निराश नहीं होने वाला है। उसका दोस्तों आते हैं कैमरे की तरफ, तो यह ट्रिपल रियर कैमरा आपको मिलता है, रियर साइड में देखेंगे आपको ट्रिपल रियर कैमरा है, प्राइमरी कैमरा आपको मिलता है, 48 MP कैमरा मिलता है, जिसमें आपको सोनी IMX582 का सेंसर देखने को मिलता है, फ्लैगशिप सेंसर है। दोस्तों यहाँ पे सोनी IMX586 नहीं मिलता है, हालांकि 586 582 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि जो सोनी IMX586 में 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 60 FPS पे, जबकि 582 में सिर्फ 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30 FPS पे, बाकी सारा कुछ सेम है। एपर्चर इसका F1.79 देखने को मिलता है। सेकेंडरी कैमरा जो 8 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसका एपर्चर F2.2 देखने को मिलता है, प्लस 2 MP का आपको जो डेप्थ सेंसिंग कैमरा है, पोर्ट्रेट सेंसर देखने को मिलता है, जिसका एपर्चर F2.2 देखने को मिल जाता है।
कैमरे में भी बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जैसे आपको टाइम लैप्स लेना है, आपको स्लो मोशन लेना है, ये सारा कुछ आप आराम से कर सकते हैं। मैं आपको कुछ पिक्चर भी यहाँ पे शो करूँगा। अगर सेल्फी कैमरे की बात करूँ तो यहाँ पे सामने की तरफ में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाएगा, जिसका एपर्चर f2.0 देखने को मिलेगा, जिसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा। मैंने इसी के लिए इसको परचेस किया है क्योंकि मुझे वीडियो बनाना था, वीडियो शूट करना था सेल्फी कैमरे से, जो कि काफ़ी अच्छा मुझे लगा और मैं इसका फर्स्ट इंप्रेशन जो काफ़ी अच्छा लगा। दोस्तों यहाँ पे सामने में डिस्प्ले में कुछ पिक्चर्स मैं शो कर रहा हूँ, जो आप देखेंगे बोके मोड से मैंने पोर्ट्रेट सेंसर लिया है, आपको 48 मेगापिक्सल कैमरा से लिया, जूम करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। सेल्फी भी मैंने लिया, सेल्फी भी ठीक ठाक आ जाता है, सेल्फी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों ये था Vivo Z1X का अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन और मेरा फर्स्ट रिव्यू। तो दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद Vivo Z1X के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। अगर आप मुझसे पूछेंगे Vivo Z1X फर्स्ट इंप्रेशन में कैसा लगा, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, यानी फर्स्ट इंप्रेशन में मुझे कैमरा से भी काफ़ी इंप्रेस हुआ, मुझे परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा लगा, मुझे इन हैंड फील भी काफ़ी अच्छा लगा, जो बैक में रियर है पॉलीकार्बोनेट होते हुए भी आपको ग्लास फिनिश देखने को लुक देखने को मिल जाता है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो दोस्तों इस वीडियो बस इतना ही था, उम्मीद है वीडियो जरूर आपको पसंद आएगा, पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ सेल्फ, बाय बाय।